फिलिस्तीनी हमास के इसराइल पर हमले से अरब मुल्कों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खास तौर पर सऊदी अरब की, जो दुश्मन देश के साथ संबंध सुधारने में जुटा है। हमास के अटैक के बाद बिना देरी किए सऊदी किंगडम ने शांति बनाए रखने की अपील की। 57 देशों के मुस्लिम संगठन ओआईसी ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जहां सऊदी का दबदबा है, इसके उलट ईरान ने फिलिस्तीन को सीधा समर्थन दे दिया, इसराइल में घुसने के लिए हमास को बधाई दी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि सऊदी अरब ईरान की तरह फिलिस्तीन का खुलकर साथ क्यों नहीं दे रहा। सऊदी अरब बीते कई महीनों से इसराइल के साथ बातचीत में है, शांति समझौता करना चाहता है। ये सब कुछ अमेरिका की अगुवाई में हो रहा है, जहां सऊदी की शर्तों में रक्षा सहयोग और सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल हैं। सऊदी कहता रहा है कि वो फिलिस्तीन के मुद्दे सुलझने तक समझौते पर साइन नहीं करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक दिलासा से बढ़कर कुछ नहीं। सऊदी इसराइल के बीच संभावित समझौते में माना जा रहा था कि फिलिस्तीन सऊदी की प्राथमिकता में शामिल है। मसलन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यहूदी देश के सामने टू स्टेट फार्मूला पेश किया था, लेकिन इजरायली शासन कथित रूप से इस पर राजी नहीं है। अटैक के बाद हमास का कहना है कि इजरायल एक दुश्मन देश है और अरब को संदेश दिया कि इनके साथ शांति कायम नहीं की जा सकती। वहीं सऊदी अरब हालांकि फिलिस्तीन को शांति समझौते के एजेंडे में शामिल करने का भरोसा देता रहा है। सऊदी अरब ने इस हमले के बाद कहा है कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और बिना देरी के अंतरराष्ट्रीय समुदाय से टू स्टेट फॉर्मूले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील की। मतलब साफ है कि दोनों देशों के बीच बढ़ती जंग को लेकर सऊदी अरब का रुख अब तक साफ नहीं है।